के 10 सबसे लंबे रोड ब्रिज। 140 करोड़ वाली जनसंख्या वाला भारत देश चौतरफा विकास की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसी गति से विकास होता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत भी एक विकसित देश कहलाएगा। और इस विकास में सबसे बड़ा योगदान है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो विकास भी तेजी से होगा। दोस्तों, सड़क पर चलते हुए आप सबने कभी न कभी ब्रिज यानी पुल का इस्तेमाल तो किया ही होगा। पुल का इस्तेमाल किसी नदी को पार करने के लिए, रेलवे लाइन को पार करने के लिए या किसी बड़े चौराहे पर ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए किया जाता है। हमारे देश में इस तरह के हजारों छोटे बड़े पुल मौजूद हैं। आज हम आपको भारत के 10 सबसे लंबे रोड ब्रिज के बारे में बताएंगे, जिनकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 10, जवाहर सेतु बिहार। बिहार के डेहरी में सोन नदी के ऊपर 3061 मीटर की लंबाई पर बना हुआ जवाहर सेतु वर्ष 1965 के बाद से चालू है। ये पुल बिहार में डेहरी आन सोन और सोन नगर को जोड़ता है और ये ग्रैंड ट्रंक का एक एसेंशियल पार्ट है, जिसे नेशनल हाईवे 2 के रूप में भी जाना जाता है। मुंगेर गंगा ब्रिज बिहार। मुंगेर गंगा ब्रिज एक और पुल है जो बिहार के मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। पुल 3190 मीटर की लंबाई तक फैला है। ये मुंगेर को बेगूसराय और खगड़िया जिलों से जोड़ता है। नंबर 8, चहलहारी घाट ब्रिज उत्तर प्रदेश। चहलहारी घाट ब्रिज घाघरा नदी के ऊपर बनाया गया है। ये ब्रिज मूल रूप से सीतापुर से बहराइच को जोड़ता है। पुल की कुल लंबाई 3260 मीटर है। इस पुल का निर्माण 2006 में शुरू हुआ था और फरवरी 2017 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। नंबर 7, कोवूर राजा मुंद्री बाईपास ब्रिज। ये ब्रिज आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बना है और इसकी कुल लंबाई 4135 मीटर है। ये ब्रिज 2015 में खोला गया था। ये मूल रूप से कोवूर और राजमुंद्री को जोड़ता है और ये एक रेल कम रोड ब्रिज है। नंबर 6, आरा छापरा ब्रिज बिहार। ये ब्रिज गंगा नदी पर बना है और ये आरा से छपरा को जोड़ता है। ये ब्रिज मूल रूप से बिहार के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों के बीच कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 4350 मीटर है और ब्रिज की अनुमति लागत 800 करोड़ है। इसके अलावा ये दुनिया का लॉन्गेस्ट मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा डोस्ट ब्रिज भी है। नंबर 5, दिगा सोनपुर ब्रिज बिहार। ये गंगा पर निर्मित रेल कम रोड ब्रिज है, जिसे बिहार में गंगा रेल रोड ब्रिज कहा जाता है। ये पुल 4556 मीटर लंबा है और 2015 में काम करना शुरू हुआ था। ये ब्रिज बिहार के उत्तरी और दक्षिण भाग के बीच एक रेल और सड़क को लिंक करता है। नंबर 4, विक्रमशिला सेतु बिहार। सबसे लंबे रोड ब्रिज की लिस्ट में एक और ब्रिज है जो गंगा नदी के ऊपर बना है। नाम है विक्रमशिला सेतु। ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। 2001 में 4700 मीटर लंबे इस पुल को आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया था। इस पुल के दोनों किनारों पर पैदल यात्री फुटपाथ के साथ दो लेन है। नंबर 3, बांद्रा वर्ली सी लिंक महाराष्ट्र। 5600 मीटर लंबा बांद्रा वर्ली सी लिंक महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी सी लिंक बुलाया जाता है। ये ब्रिज माहिम खाड़ी के ऊपर फैला हुआ है और 2009 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस पुल ने मुंबईकर्स के जीवन को वास्तव में आसान बना दिया है, क्योंकि इससे यात्रा का समय बहुत कम हो गया है।
महात्मा गांधी सेतु बिहार। गंगा के ऊपर निर्मित महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है। इसका उद्घाटन 1942 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और इसकी लंबाई 5,750 मीटर है। इस 4-लेन ब्रिज के दोनों साइड पर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। ये गेम इन इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया था। नंबर 1, भूपेन हजारिका ब्रिज, असम। ये भारत का सबसे लंबा रोड ब्रिज है। इस पुल की कुल लंबाई 9,150 मीटर है। ये ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को जोड़ता है। ये ब्रिज लोहित नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है, उस पर स्थित है। ये पुल उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच पहला परमानेंट सड़क कनेक्शन है। तो ये थे भारत के 10 सबसे लंबे रोड ब्रिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।